हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज एक आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, फंकी आई शेडो पैलेट। और आपने देखा होगा आजकल जो आई शेडो हैं वो इसी तरह फंकी स्टाइल में लगाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप इसको लगाते हैं अपने आईज़ के ऊपर ब्रश के साथ, तो ये इतना अच्छा लुक नहीं आता है इन आई शेडो का, क्योंकि ये बहुत लाइट कलर में होते हैं। और इनको मैं लाइट से मैंने बेस अपने बाजू पे लगा के तो मैंने ये अप्लाई किया है, तो ब्रश के साथ अप्लाई किया है। तो आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, जबकि इसको अगर हम फिंगर के साथ अप्लाई करेंगे तो उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, और विदाउट फाउंडेशन के उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आना है। तो ये मैं आपको इसके ना दो तीन शेड में आपको लगा के फाउंडेशन के ऊपर दिखाने लगी हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमने आई शेडो लगाए हैं ये इतने ज़्यादा इन्हेंस नहीं हो रहे, बनिस्बत इसके कि जब हम इसको फिंगर के साथ टच करेंगे तो ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है, आपने जब भी आई शेडो आपने यूज़ करने हैं तो आपने अपने फिंगर टिप्स के साथ इनको ना अप्लाई करना है, और इसको उसके बाद आप ब्रश के साथ आप मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये फिंगर टिप के ऊपर कितने अच्छे से पिक हो रहे हैं, और विदाउट फाउंडेशन के ये कितने अच्छे आपको शेड नज़र आ रहे हैं। तो ये मैंने जो पैलेट है ये एक लोकल मार्केट से लिए थे, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्रांड ही यूज़ करें तो आपको अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। आप कोई भी लोकल चीज़ को भी उठाकर उसको उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं और आपको बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और इस तरह के आई शेडो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छा लुक आता है। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।